सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू सेट कस्टम वॉलपेपर। फ्रेंड्स, आप अपने पोको मोबाइल के अंदर वॉलपेपर को कस्टम वॉलपेपर को कैसे सेट कर सकते हैं, तो मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इजिली क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कस्टम वॉलपेपर को सेट करने के लिए इजिली फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेटिंग्स ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन कर लेने के बाद फ्रेंड्स इसलिए आपको नीचे तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको शो हो जाता है यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से फ्रेंड आपको कस्टम वॉलपेपर सेट करना है, आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको यहाँ पे क्या करना है, वॉलपेपर पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स इस पर क्लिक करते ही आपका ऑप्शन होता है माई लाइव वॉलपेपर्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते फ्रेंड यहाँ से फ्रेंड्स आप यहाँ से कस्टम वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं फ्रेंड इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से बैक हो जाना है, बैक आते हैं फ्रेंड्स आपको होम स्क्रीन इफेक्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ से अपना होम स्क्रीन इफेक्ट पे फ्रेंड यहाँ से अपना कस्टम वॉल को यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स अपने इजी तरीके से आप यहाँ पे गैलरी से जाके फ्रेंड्स यहाँ से अपना कस्टम वॉलपेपर को इजी तरीके से यहाँ से जैसे फ्रेंड इसको सेट करना है। तो फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करके अपना यहाँ से कस्टम वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो चला हुआ वीडियो चला गया तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।